राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा मिशन इंद्रधनुष का अभियान शाहपुर स्थित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि 7 मार्च से इंद्रधनुष का अभियान शुरू किया गया है जो 15 मार्च तक चलेगा, जिसमें 11,652 बच्चों और 3,813 गर्भवती के टीकाकरण पर जोर रहेगा। अभियान में 669 ANM, 3,647 आशा, 2,282 आंगनबाड़ी और 182 सुपरवाइजर की ड्यूटी लगाई गई है। शाहपुर नगरी स्वास्थ्य केंद्र पर जिला अधिकारी के द्वारा असलाम नाम के बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिला करके शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि जनपद में जिन लोगों के बच्चों का नियमित टीकाकरण किसी कारण से छूट गया है, वह खुद आगे आकर बच्चों का टीकाकरण करवा लें। गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगवाना अनिवार्य है। इस मौके पर जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर AN प्रसाद, उप जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी सुनीता पटेल, ARO SN शुक्ला, WHO के सर्विस लॉन्स मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर संदीप पाटिल, DMC नीलम यादव व डॉक्टर हसन फहीम सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, पूरा पद भरे हुए आज से हमारा मिशन इंद्रधनुष प्रोग्राम शुरू हो रहा है जो 15 तारीख तक चलेगा। इसके तहत हम जो छूटे हुए बच्चे हैं, जो कोविड के कारण जो 2 वर्ष तक के छूटे बच्चे थे और जो गर्भवती माताएं जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुआ था, उनको जो है पिछले महीने हम लोगों ने एक सर्वे किया था, उसके अनुसार लगभग हमारे पास 12,000 बच्चे छूटे हुए हैं और लगभग हमारे पास 2,500 माताएँ हैं जो छूटी हुई हैं, जिनका जो हमें इसके लक्ष्य को अपने हासिल करने के लिए करना है। उसी के तहत जो है आज से हमारा 15 तारीख तक का ये प्रोग्राम चलेगा, जिसमें हम लोग जो है आशाएँ जो हैं घर घर में प्रचार करेंगी और जो बच्चे छूटे हुए हैं जिनकी ड्यू लिस्ट बनी हुई लाइन लिस्टिंग की गई है उनको बुला करके उनका वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसी के क्रम में आज जो है प्रातः 10 बजे अभी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इस हमारे नगरीय स्वास्थ्य केंद्र पर शुभारंभ किया है, जहां पर अरसलान नाम के बच्चे को विटामिन ए का सिरप पिला करके उन्होंने शुभारंभ किया है। इसके बाद से हमारा यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, पूरे जनपद में ये चलेगा और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के प्रचार प्रसार और आप लोगों के सहयोग से जो हमारे छूटे हुए बच्चे हैं उनको हम पूरा वैक्सीनेट करेंगे। और टीकाकरण का जो हमारा लक्ष्य है कि हम अब मार्च के अंतिम समय तक जो हमारा पूरा लक्ष्य है सभी बच्चों को हम इम्यूनाइज कर सकेंगे और मैं संभवतः इसे हासिल कर लूँगा।